साथ राजेश कुमार। बड़े उत्साह और उमंग के साथ पटना में बाबा बागेश्वर धाम सरकार की कथा चल रही है। आज दूसरे दिन कथा सुनने के लिए तरेत मठ में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। 2 किलोमीटर दूर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। पंडाल में काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हैं। न सिर्फ बिहार बल्कि पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा और पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग बाबा को सुनने के लिए पहुंचे हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भरी। इस पर अब कुछ आम लोग भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जबकि बिहार में हिंदू राष्ट्र की मांग पर सियासत भी शुरू हो गई। बाबा बागेश्वर ने भरी हिंदू राष्ट्र की हुंकार। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। लोगों ने भी कहा भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। एकदम बनेगा, बाबा का कहना है बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत लेट हो चुका है, जितना जल्दी हो अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए हर हाल में। और तकलीफ जिसको है दूसरे देश चले जाए। हिंदू राष्ट्र की मांग पर बिहार में सुलग उठी सियासत। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना में कथा सुना रहे हैं। पटना के नौबतपुर का तरेत गांव बाबा बागेश्वर धाम सरकार के रंग में है। बाबा को देखने सुनने की ऐसी दीवानगी है कि तपती दोपहरी में भी लोग बिहार के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर पटना से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। एक बार एक महात्मा जी को मिले तो वो बोले, महाराज जी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हमने मुस्कुरा करके कहा, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार के बाद कथा सुनने पहुंचे लोगों ने भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग शुरू कर दी है। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सब लोग जानना चाहिए। बिल्कुल बनेगा हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल बनेगा, शाकाहारी, हाँ बिल्कुल बनेगा, बनेगा हिंदू, एकदम बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, एकदम बनेगा। बाबा का कहना है बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। बहुत लेट हो चुका है, जितना जल्दी हो अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए हर हाल में। हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन न सिर्फ आम लोग कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने भी बाबा बागेश्वर के बयान को सही ठहराया है। हरिभूषण ठाकुर की दलील है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन कुछ सांप्रदायिक लोगों ने और जातिवादी लोगों ने राख जमा दिया था, वो राख बाबा साफ करेंगे, बाबा के साथ हम लोग हैं। बाबा का जो बात है उस बात को हम समर्थन करते हैं और भारत हिंदू राष्ट्र है। इस देश का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो वेद से लिया गया है। यहाँ के दूरदर्शन पर लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम, जो हिंदू धर्म शास्त्रों से लिया गया है। आपकी क्या राय है, देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हाँ, किसी के जन भावनाओं को आप नहीं रोक सकते हैं। बाबा बागेश्वर धाम के हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कौन धीरेन्द्र शास्त्री, मैं बाबा को नहीं जानता। वहीं आरजेडी से लेकर पप्पू यादव तक ने बाबा के बयान पर पलटवार किया है। कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? बाबा है, प्रवचन करने आए बिहार। बाबा तो बहुत लोग आते हैं प्रवचन करते, लेकिन उनके बारे में आप लोग बहुत परेशान है, ऐसा कोई खास बात है क्या उनमें? उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया है। कौन ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए, वो है कौन? जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, हनुमान को हम भी मानते हैं, इस देश के लोग राम को और हनुमान को मानते हैं। राम ने सेवरी का बैर खाया था, उस राम को हम मानते हैं। जय श्री राम बोल करके और दंगा करने वाले लोग राम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं कई बार पहले भी कहा हूँ, यह व्यक्ति नफरत के अलावे दूसरी बात करता ही नहीं है। इससे पहले भी मैंने कहा कि 4.5 साल पहले जिसके बहन की शादी मुसलमानों ने कराई, जिनको ना
अपना पता था आज सबसे ज्यादा करोड़पति होगा। बाबा बागेश्वर धाम सरकार का दरबार सजा है, पटना राममय है और दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र के नाम पर सियासत गरमाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को देख